सरीला ग्राम न्यायालय में तैनात कोर्ट मुहर्रर 13 दिन से लापता हैं। उनका मोबाइल व कपड़े किराए के कमरे में रखे हैं। अनहोनी की आशंका से परेशान उनके पुत्र ने जरिया थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई है। पुलिस सिपाही की तलाश कर रही है। चित्रकूट जनपद के करवी कस्बा निवासी हेड कांस्टेबल राजा राम शुक्ला कस्बे के ग्राम न्यायालय में हेड मुहर्रर के पद पर तैनात है। और आपको बताते चले, उनके पुत्र ललित ने बताया कि उन्हें 8 अगस्त को पुलिस लाइन से ग्राम न्यायालय सरीला ड्यूटी के लिए भेजा गया था। 9 अगस्त को वह न्यायालय में ड्यूटी पर भी रहे, इसके बाद से अचानक गायब हो गए। वह कस्बे में ही पुलिस चौकी के पास किराए के कमरे में रहते थे। कमरे में उनका मोबाइल व कपड़े रखे हैं, उनकी कोई जानकारी नहीं मिल रही। थानाध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि हेड मुहर्रर के पुत्र की सूचना पर गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है और उनकी तलाश की जा रही है। क्या घटना हो गई है? सर, उनको उनकी जानकारी नहीं मिल रही है। 8 तारीख को बात हुई। किन की? पिताजी। क्या पिताजी का नाम? राजा राम शुक्ला। तो क्या 8 तारीख को शाम को बात हुई थी कि वहाँ से रवानगी हो गई है, यहाँ अहमद करवा लेंगे कल। तो कल 9 तारीख को यहाँ आए हैं, रात में खाना खाए हैं, उसके बाद सूचना नहीं मिली है। मोबाइल और बैग घर में ही रखा था जहाँ रूम लिए थे। उसके बाद जब कई दिनों तक फ़ोन किया, नहीं वो हुआ तो स्टाफ वालों को फ़ोन किया। वहाँ से जब सब लोगों ने दूसरे फ़ोन किया तब पता चला कि वहाँ से निकल गए हैं, यहाँ हैं। फिर उनका नंबर था भाई साहब का, उनसे उनको भेजा रूम में। वहाँ से पता चला कि बैग वैग वो सब वहीं हैं, वहाँ आए थे, खाना खाए थे, उसके बाद पता नहीं है। किस पद पर थी? आखिरी बात बात कब हुई थी आपकी? 8 तारीख को शाम को 7:30। क्या बात हुई थी? यही कि वहाँ से हमीरपुर से रवानगी हो गई और यहाँ अहमद करवा ली कल। आज आप सरीला आए हो, क्या रिपोर्ट लिखाने के लिए? सरीला रिपोर्ट लिखा रहे हो?